हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी जाट क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है बीपीएससी टीचर के लिए क्लास है, एसटीईटी कंप्यूटर साइंस या फिर बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या होता है? ऑप्शन ए है इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन ए पूछ रहा है कि क्या ये जो है इंटरफेस होता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। फिर है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेट मैनेजेज हार्डवेयर रिसोर्सेस। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर रिसोर्स को जो है मैनेज करता है। अब है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्या ये सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर है एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए? और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशनड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशनड, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस का भी काम करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम भी है जो कि हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर भी है एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, इसलिए जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द मेंशनड ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर? ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि कमांड इंटरप्रेटर का जो है मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द एपीआई एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, एपीआई और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच जो है एक इंटरफेस का काम करना। ऑप्शन बी है टू हैंडल द फाइल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है फाइल हैंडल का काम करना। फिर है ऑप्शन सी टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड को जो है गेट और एग्जीक्यूट करना। ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन जो है वो होता है टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड को जो है गेट और एग्जीक्यूट करना जो है कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है द मेन फंक्शन ऑफ ए कमांड इंटरप्रेटर इज टू रीड इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट कमांड्स डेट आर इंटर्ड बाय यूजर और कॉल्ड बाय एन एप्लीकेशन। तो कमांड इंटरप्रेटर का काम होता है मेन कमांड इंटरप्रेटर का मेन काम मेन फंक्शन जो है वो होता है रीड करना, इंटरप्रेट करना और कमांड्स को एग्जीक्यूट करना जो कि किसी यूजर के द्वारा जो है इंटर किया गया है या फिर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा जो है कॉल्ड किया गया है। अब है इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है इनमें से कौन सा जो है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? ऑप्शन ए है प्रायोरिटी, ऑप्शन बी है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशनड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशनड, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ये सभी के सभी जो है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं, चाहे वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो, ये सभी के सभी जो है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो होता है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिसे कि एफसीएफएस कहते हैं, फिर है एसजेएन यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ये सभी के सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं।
अब है टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है हम लोग सर्विस जो एक्सेस करते हैं तो ये इंटरफेस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए है लाइब्रेरी के द्वारा, ऑप्शन बी है सिस्टम कॉल के द्वारा, ऑप्शन सी है असेंबली इंस्ट्रक्शन के द्वारा, ऑप्शन डी है एपीआई के द्वारा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सिस्टम कॉल, ठीक है। यानी कि टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विस को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस जो है वो सिस्टम कॉल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस जो है सिस्टम कॉल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा है द सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूजर प्रोग्राम्स टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द एपीआई, ठीक है। तो सिस्टम कॉल जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर्स को प्रोग्राम एक्सेस करने के लिए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। तो एपीआई का फुल फॉर्म भी याद रख लें, एपीआई का फुल फॉर्म जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। अब है सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ, सीपीयू शेड्यूलिंग जो है किसके बेसिस पे होता है। ऑप्शन ए है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे, ऑप्शन बी है लार्जर मेमोरी साइज्ड सिस्टम, ऑप्शन सी है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सीपीयू शेड्यूलिंग जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है बेस्ड होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।